हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड लास्ट 3 इयर्स के टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में से है। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 19% का रिटर्न दिया है, वहीं लास्ट 3 ईयर CAGR इज अ वोपिंग 38%। यानी कि 3 साल पहले अगर आपने इस फंड में लमसम 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 1,25,000 गुना से ज्यादा ओवर 2,62,000 हो जाते, यानी के 162% एब्सोल्यूट रिटर्न्स। इस फंड के फंड मैनेजर है मिस्टर ललित कुमार। इनका 13 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है एंड इस फंड को ये जुलाई 2020 से मैनेज कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर इनके बाकी टॉप फंड्स देख सकते हैं। बाकी तो फंड्स में परफॉर्मेंस काफी अच्छी नजर आ रही है, बट मिड कैप कैटेगरी में अगर आप बाकी फंड्स देखेंगे तो काफी सारे दूसरे फंड्स हैं जिनका 3 ईयर CAGR इज वे अबव 26%। बट यस, दिस इज ऑल्सो नॉट बैड। ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड एक थीमेटिक फंड है जो कि कमोडिटीज या कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। कमोडिटीज मतलब रॉ मटेरियल्स और प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक स्टील, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, जो कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस फंड में आपको टाटा स्टील, हिंडल्को, भारत पेट्रोलियम जैसे बड़े कंपनीज नजर आएंगी। बट क्या मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ इस फंड में? फॉर दैट आई एम गोइंग टू एनालाइज दिस फंड ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स: रिटर्न्स, रिस्क रेशियोस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो एनालिसिस, कमोडिटी सेक्टर एनालिसिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फंड मैनेजर एनालिसिस जो हम कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, रिटर्न एनालिसिस। ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ का बेंचमार्क है निफ्टी कमोडिटीज TRI, एंड आप देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर एंड 3 इयर्स में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क एंड निफ्टी 50 के रिटर्न्स को भी सिग्निफिकेंटली बीट किया है। एंड इससे पुराना डेटा नहीं है बिकॉज इस फंड को अभी तक सिर्फ 4 साल ही पूरे हुए हैं। बट ये ट्रेलिंग रिटर्न्स हैं जो कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स बताते हैं। फॉर कंसिस्टेंसी वी नीड टू एनालाइज रोलिंग रिटर्न्स। 3 ईयर रोलिंग रिटर्न 45.26% का मतलब है कि 16 अक्टूबर 2019 से अगर आप किसी भी 3 ईयर पीरियड को सिलेक्ट करेंगे तो मोस्ट लाइकली ऑन एन एवरेज इस फंड ने 45% का रिटर्न दिया हो सकता है। तो आप देख सकते हैं 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 इयर्स में भी तीनों इंडेक्स निफ्टी 500, निफ्टी 50 एंड निफ्टी कमोडिटीज के रिटर्न्स को भी सिग्निफिकेंटली बीट किया है। लेट्स लुक एट द रिस्क रेशियोस। अल्फा इस फंड का बहुत ज्यादा अच्छा है, 14%, यानी कि इस फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में 14% एक्स्ट्रा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं। शार्पे 1 से ऊपर है विच इज गुड, बट बीटा भी 1 से ऊपर है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी हाई है विच मीन्स द फंड इज ऑल्सो वॉलेटाइल। गौर करें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर तो इस फंड में बॉटम अप स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, यानी कि पहले कंपनीज के बैलेंस शीट को एनालाइज किया जाता है, देन इंडस्ट्री एनालिसिस, फॉलोड बाय मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इस फंड का करंट एनुअलाइज्ड टर्नओवर रेशियो अबाउट 25% है, यानी कि लास्ट 1 साल में अबाउट 25% स्टॉक्स इसमें चेंज किए गए हैं। इस फंड का पी रेशियो 17.7% है, जो कि काफी सही लग रहा है सोचने में, बट कम पीई लेवल इन कमोडिटीज कुड बी डिसीविंग। वी विल टॉक अबाउट इट मोर, बट उससे पहले फ्रेंड्स आप जानते हैं इंडिया की फाइनेंशियल सेक्टर 8.5% से ग्रो कर रही है। ऐसे में द डिमांड फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 11% बाय 2026। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ करियर इन द फाइनेंशियल डोमेन, देन एक्सप्लोर हीरो वायर्ड्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फाइनेंशियल एनालिसिस, वैल्यूएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये एक 7 मंथ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो फोकस करता है इक्विटी, एसेट वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा, विच कैन हेल्प बिल्ड योर फाउंडेशन इन द कोर एरियाज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये प्रोग्राम बाकी दूसरे एंसिलरी स्किल्स पर भी फोकस करता है लाइक एक्सेल, SQL, पाइथन, विजुअल बेसिक एक्सेट्रा, एंड इंक्लूड मास्टर क्लासेस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है दैट दे ऑल्सो हेल्प यू इन बिल्डिंग योर CV, योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड इवन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। इनफैक्ट दिस प्रोग्राम इंश्योर्स एन अश्योर्ड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉस्टरिंग वैल्यूएबल प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। सो इफ यू हैव अ बैचलर्स डिग्री एंड लव फॉर फाइनेंस, देन दिस प्रोग्राम में हेल्प यू टू टेक योर करियर इन फाइनेंस टू न्यू हाइट्स। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू एक्सप्लोर इट। सो इन शॉर्ट हमने अब तक ये जाना कि ये फंड थोड़ा वॉलेटाइल है, बट द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आर अमेजिंग अप टिल नाउ। बट ये सिर्फ 4 साल के रिटर्न्स है। अगर ये फंड 10 साल पुराना होता तो हमें कुछ अलग ही पिक्चर नजर आती इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देख के, बिकॉज कमोडिटीज इज अ साइक्लिक बिजनेस। आप स्क्रीनर पे आके टाटा स्टील लिमिटेड का पी लेवल देखेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं ओवर द ईयर्स अर्निंग्स पॉजिटिव में जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो इस पी रेशो के चार्ट को देखकर ही हम एनालाइज कर सकते हैं कि बिजनेस जो है वो साइक्लिक है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ता नहीं चला जा रहा है, यानी कि कुछ
सालों तक ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एंड देन नेक्स्ट कुछ सालों तक ये पूरा सेक्टर डाउन रहता है। सो एज एन इन्वेस्टर आई ऑब्वियसली डू नॉट वॉन्ट कि मैं इस साइकिल के गलत एंड पे एंटर करूं एंड देन सालों तक नेगेटिव में दिखे मेरा पैसा। टू अंडरस्टैंड इट बेटर लेट्स मूव ऑन टू द पोर्टफोलियो एनालिसिस। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 92% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, जहां पर लार्ज कैप में 47% एलोकेशन है, मिड कैप में 24% एंड स्मॉल कैप में 19%। सेबी रूल्स के हिसाब से थीमेटिक फंड में एटलीस्ट 80% उस पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्टेड होना चाहिए एंड मेजरली इन पांच सेक्टर्स में एलोकेशन है मेटल्स एंड माइनिंग में 36%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में 32%, केमिकल्स में 13% एंड सो ऑन। सो इस कमोडिटी थीम पर ही बेस्ड जितने स्टॉक्स है उसी पे सारा पोर्टफोलियो एलोकेशन है, विच नैरोज डाउन द इन्वेस्टमेंट फोकस मेकिंग इट अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। प्लस इस फंड में करंटली मुझे अबाउट 29-30 स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, जहाँ पे टॉप 5 स्टॉक्स में ही ओवर 35% एलोकेशन है, विच मीन्स द पोर्टफोलियो इज ऑल्सो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, अगेन एडिंग टू द रिस्क। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू सेक्टर एनालिसिस। सी लास्ट 1-2 मंथ्स में ज्यादातर स्टील स्टॉक्स में हमें काफी अच्छी रिटर्न नजर आई है। नाउ दिस कुड बी बिकॉज इलेक्शन आने वाले हैं एंड इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी पुश करती है, जिस वजह से स्टील एंड बाकी कमोडिटीज की डिमांड बढ़ जाती है। बट लॉन्गर होराइजन की बात करें तो वी ऑल नो दैट इंडिया इज अमंग द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड नाउ। सो इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपैंडिंग, विच विल लीड टू इंडस्ट्रियल डिमांड एंड दस कमोडिटीज की डिमांड भी बढ़ेगी। प्लस इंडिया के बजट में काफी बड़ा केपेक्स एलोकेशन है इन रेलवेज, नेशनल हाईवेज, हाउसिंग एक्सेट्रा, विच अगेन विल हेल्प बूस्ट द कमोडिटीज सेक्टर। सो कमोडिटीज की जो डोमेस्टिक डिमांड है इंडिया से वो तो स्ट्रांग दिखाई दे रही है, बट बात करें इंटरनेशनल डिमांड की देन दैट इज अ लिटिल डाइसी। बात करें चाइना की तो वहां पे अभी भी रियल एस्टेट क्राइसिस चल रही है, वहां के गवर्नमेंट ने स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज अपना लिए हैं इसके लिए, बट ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, बट कितना टाइम लगेगा नो वन कैन से दैट। सो इंटरनेशनल डिमांड कब बढ़ेगी इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, सो दैट इज वन प्रॉब्लम। प्लस कमोडिटीज सेक्टर के वैसे भी कुछ दूसरे मेजर ड्रॉबैक्स है, लाइक कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज हाईली कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, जिस वजह से इनके लोन भी हाई होते हैं, डेट हाई होता है, विच इज नॉट गुड। सेकेंडली यहाँ पे दूसरे सेक्टर्स पर भी डिपेंडेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करे, ऑटोमोबाइल की डिमांड बढ़ेगी तब स्टील की डिमांड बढ़ेगी। देर आर अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो लाइक कमोडिटीज के जो प्राइजेस है वो बढ़ते कम होते रहते हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स मेक्स द कमोडिटी सेक्टर वेरी रिस्की। सो एम आई इन्वेस्टिंग इन इट? वेल फ्रेंड्स, अगर हम साइकिल के सही एंड पे एंट्री करें और सही टाइम पे एग्जिट करें तो फिर हम काफी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, बट साइकिल को अच्छे से टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है। बट क्योंकि कमोडिटीज की डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, आई मे पिक पर्टिकुलर 1-2 स्टॉक्स एंड टेक सम पोजिशंस अप टू 5% ऑफ माई होल पोर्टफोलियो इन दोज इंडिविजुअल स्टॉक्स, रादर देन इन्वेस्टिंग 10-15% ऑफ माई होल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इन वन कमोडिटी सेक्टर। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड से ही इन्वेस्ट करना है मुझे, देन आई वुड रादर चूज अ फ्लेक्सी कैप फंड जिनका कुछ पोजिशन कमोडिटी या कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स में भी है। बिकॉज इन केस ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड, फंड मैनेजर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अब ये सेक्टर अच्छा करने वाला है तो यहाँ पे कुछ पोजिशंस ले सकते हैं, अब ये सेक्टर गिरने वाला है तो एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर दी मार्केट एक्सपर्ट्स। वहीं ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर से छिन जाती है इन केस ऑफ पर्टिकुलर थीमेटिक और सेक्टोरल फंड, बिकॉज यहाँ पे अगर फंड मैनेजर को पता है कि अब ये सेक्टर खराब परफॉर्म करने वाला है, उसके बावजूद भी उनको 80% कमोडिटीज थीम रिलेटेड स्टॉक में इन्वेस्ट करके रहना ही पड़ेगा। सो दैट इज अ डिसएडवांटेज। सो एज आई सेड, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फंड फॉर नाउ। आप इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं, आपके क्या व्यूज है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप जानना चाहते हैं विच इज द बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड 2023, देन डू चेक आउट द वीडियो ऑन द आई बटन। प्लीज रिमेंबर, नन ऑफ दिस इज अ फाइनेंशियल एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड। प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड देन डिसाइड इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट ऑर नॉट। फॉर मोर एजुकेशनल कॉन्टेंट ऑन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन।